हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। बढ़ती टेक्नोलॉजी जितना प्रोफेशनल बना रही है उतना ठगी का शिकार भी कर रही है। इस ठगी के शिकार कोई और नहीं, खुद यूथ है जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी के दम पर देश को तरक्की की ओर जाने का दावा तो करती है, लेकिन यहाँ कई ऐसे मामले हैं जो टेक्नोलॉजी पर शक पैदा करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अयोध्या जिले के इस यूथ के साथ। जिला अयोध्या ब्लॉक दारुण और ग्राम पंचायत है परमानंद मीर का पुरवा। यहाँ के राकेश पांडे जी की शिकायत है कि इनके अकाउंट से 10,000 रुपया निकल गया। इन्होंने शिकायत भी थाने और बैंक मैनेजर से की, लेकिन अभी भी इनका पैसा इनको नहीं मिला है। इसके अलावा इनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जन सेवा केंद्र से उनका पैसा निकल जा रहा है और लोग परेशान हैं, लोग शिकायत करते हैं फिर भी उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा। हमको ये पता था कि हमारे खाते में 100-200 रुपया होगा और पहले भी ऐसे निकाल चुके हैं, इस तरह से पैसा जो है कम पैसे ही निकालते थे खाता जिंदा रखने की वजह के तौर पे। उस खाते को हमने जनधन खाते को इसी तौर पे खुलवा रखा था कि मतलब सरकारी लाभ आएगा तो मिलेगा हमको, और उस पर हमारा कोई लेन देन विशेष नहीं होता था। तो मैं जो है 100 रुपया निकालने के लिए गया और वो हमारे खाते में LIC का 10,000 रुपया आ गया था, वो धोखे से निकाल लिए। मुझे पता नहीं था उन पैसों का। ये पैसे जो है आए थे मई 15 तारीख थी 2018 में ही आए थे। फिर उसके बाद उनके पास एक रजिस्टर होता है जनसेवा वालों के पास, उन्होंने हमसे 100 रुपये पे दस्तखत करवाया। फिर लॉकडाउन पीरियड पड़ा था, उस वक्त दिल्ली नोएडा में मैं काम करता था पेंटिंग का, तो मैं घर भाग आया तो मेरे पास बड़ी तंगी आई पैसों की, तो मैं LIC का पैसा पता करने गया। मैं पासबुक लेकर गया जनधन वाला जिसमें हमारे पैसे निकल चुके थे, तो उन्होंने कहा ये पैसा तो इसी खाते पे हम भेज चुके हैं। उसके बाद मैं मैनेजर के पास आया तारुण, तो वो कहते हैं कि आपका कोई पैसा नहीं आया है, LIC में ही अपना पता करिए। फिर मैं LIC जाता हूँ, फिर LIC कहता है कि हमने भेज दिया है। फिर मैं फैजाबाद से फिर तारुण आता हूँ 60 किलोमीटर, तो मुझे इस चीज़ का पता लगा कि पैसे मेरे निकल चुके हैं। तब मैंने समझा कि बैंक इसलिए मुझे स्टेटमेंट नहीं दे रहा है क्योंकि ये खुद घपला कर चुका है, मुझे संदेह हुआ उनके ऊपर। मैंने शिकायत किया जो है बैंक में भी और थाने पर भी शिकायत किया हूँ उसका। कुछ लोग हमारे पास आए थे बताने कि हमारा भी पैसा निकला है, तो हमने जब बैंक में एप्लीकेशन दिया तो उनका भी नाम डाल दिया था उनके कहने से। अब वो मौके से लोग देहात के लोग डरते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो मैं फंस जाऊँ, तो थोड़े पैसे के लिए मैं क्यों जो है गवाही दूं। सालों मुझे दौड़ाया इस चीज़ के लिए, मेरा स्टेटमेंट नहीं दिया, मेरा पैसा बताने से इनकार कर दिया, बोले कि कोई पैसा नहीं आया आपका। फिर मैं जो है हेड ऑफिस गया फैजाबाद स्टेट बैंक, तो वहाँ मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई उनको, वो बोले कि इनका स्टेटमेंट तुरंत निकालिए। जब उन्होंने मेरा स्टेटमेंट दिया मुझे रोना आ गया, इन लोगों ने बैंक वालों ने इतना अथक अतिशाह परेशान कर दिया था मुझे इस पैसे के लिए दौड़ा। मतलब आपका पैसा आया और निकल गया। और इन लोगों ने बताया नहीं, झूठ बोल रहे थे कि आया ही नहीं है। जब उसी के पास रजिस्टर रहता है, उसी की कलम, उसी को लिखना है, ग्राहक को कोई सबूत साक्ष्य दिया नहीं जाता, तो कुछ भी जीरो भी बढ़ा सकता है। शब्दों में लिखा नहीं गया है पैसा, अंकों में लिखा है, कई जीरो बढ़ सकते हैं। तो हमको बल्कि उन्होंने कहा कि आप जो है इन बैंक वालों के पास मत दौड़ो, आप सीधे उपभोक्ता फोरम जाकर इनके ऊपर केस करो, ये 24,000 जुर्माना भी देंगे, सारा पैसा देंगे, और ये जो है दौड़ ये हैरान, जितना हैरान किए हैं आपको उससे कई गुना हैरान होंगे। यह कोई नया मामला नहीं है, आए दिन टेक्नोलॉजी से लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं, और वो भी पढ़े लिखे यूथ। उन किसानों का क्या जिनका बैंक के बिना योजनाओं को पाना मुश्किल है? उन महिलाओं और बिना पढ़े लोगों का क्या जिनको टेक्नोलॉजी की ओर ढकेला जा रहा है? क्या यही दिन देखने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।